बात करेंगे वार्ड क्रमांक 140 की नगर सेविका नादिया शेख से, नादिया मोहसिन शेख से। नादिया जी, यहाँ पर हम लोगों ने सुना है गौतम नगर में काफ़ी दिनों से जनता परेशान थी पानी की वजह से। पानी यहाँ भर जाता था, लोग नमाज़ पढ़ने में तकलीफ़ होती थी, रिक्शा वालों को आने जाने में, यहाँ की जनता काफ़ी परेशान थी। अब इस ऊपर आपने क्या मुद्दा उठाया इस परेशानी को देखते हुए लोगों की? गौतम नगर में जो करबला मस्जिद के सामने जो लीकेज का प्रॉब्लम है वो तकरीबन 2-2.5 साल से भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैं चुनाव जीत के आने के बाद ही इस प्रॉब्लम को मतलब देखते हुए मैंने काफ़ी स्टेप्स उठाए। सबसे पहले तो हमने पिछले साल 2017 में जुलाई में हमने पहला लेटर डाला था क्योंकि यहाँ पे यह इतना बड़ा लीकेज है कि बाजू में जो मस्जिद है वहाँ पे जो लोग नमाज भी जाते हैं तो गंदा पैर लेके मस्जिदों में जाते हैं, स्कूल के बच्चे यहाँ से हमेशा जाते हैं तो वो उनका पूरा मतलब बहुत ही यहाँ पे प्रॉब्लम्स थे आजू बाजू के लोगों को, जिस वजह से रोड भी ख़राब हो चुका था, रोड पे एक्सीडेंट्स होते थे बड़े बड़े। तो 1.5 साल से मैं इस चीज़ को लेके भाग रही हूँ, BMC का दौरा लगा रही हूँ। आज अलहमदिल्ला हमारी कोशिश काम आई है और घाटकोपर से पूरी टीम आई है यहाँ पे काम करने के लिए। उन लोगों को लीकेज भी मिल चुका है और यहाँ के जो लेबर्स लोग हैं काम करने वाले उन्होंने उनको बताया कि आज शाम तक उनका ये पूरा। तो आपको उम्मीद लगती है कि मतलब आज ये काम मुकम्मल हो जाएगा? बिल्कुल, हमारी क्योंकि जो इतनी मेहनत थी वो आज रंग लाई हुई दिखाई दे रही है मुझे और इंशाल्लाह हमने इस पूरी पाइपलाइन का चेंज करने का भी टेंडर डाला है, मतलब लेटर डाला था, तो वो भी स्टैंडिंग कमेटी में पास होके आफ्टर मानसून वो भी पूरा पाइपलाइन का काम हो जाएगा। आप लोगों को इससे कितनी तकलीफ थी? बहुत तकलीफ है, मस्जिद में जाने को बहुत तकलीफ है, बच्चे आदमी जाते तकलीफ है, अम्बेडकर गाड़ी है, बाबा साहब उधर जाओ तो तकलीफ है, बहुत तकलीफ है हम लोग। तो अभी आप लोगों को मतलब कुछ राहत मिली पहले से? अभी पहले से अभी राहत है यहाँ पर, काम कर रहे अभी हम बोले अब काम करके देते। न्यूज़ एक्सप्रेस से बात करने के लिए धन्यवाद। हम बात करेंगे वार्ड क्रमांक 140 की जनता के, गौतम नगर के पास के लोगों से कि उनको इस पानी के वजह से कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही थी। 2 साल से इसका मुसीबत का सामना कर रहे हैं लेकिन आज तक के उसने कोई बनाया नहीं है पाइप लाइन, बट लेकिन आज नादिया शेख मैडम ने और मुसीम भाई ने आके ये पाइप का लाइन चालू कर दिया तो हमको देख के अच्छा लगा कि यहाँ पर रोड पूरा सूखा हुआ है। और भी इस पानी के वजह से क्या तकलीफें होती थी लोगों को, आप लोगों को क्या तकलीफ का सामना करना पड़ा? तो ये मस्जिद जो भी नमाज पढ़ने जाते थे उनके कपड़े घान हो जाते थे, गाड़ी वाले पानी उड़ा देते, प्लस पॉइंट और बच्चे स्कूल जाते थे उनका भी कपड़ा खराब हो जाता तो स्कूल में टीचर ही चिल्लाते, तो यहाँ से जो भी जो जाने आने वाले सबको दिक्कत थी पानी। लेकिन आज जो ये काम चालू है तो हमको अच्छा लग रहा है और भी आगे मैडम करेंगे काम तो हम उनके साथ में। यहाँ पे और भी पार्टियाँ हैं, समाजवादी कांग्रेस है, काफ़ी कार्यकर्ता है लेकिन यहाँ पे किसी को चलते हुए दिखाई नहीं देता कि ये स्पोर्ट किसका है, ये आस्थानिक मस्जिद है, यहाँ पे कितना स्पोर्ट बड़ा, यहाँ पे लोग चलते हैं लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता। यहाँ पे नादिया मोहसिन शेख जो राष्ट्रपति से नगर से हो गए पार्सल लेने ने कम से कम 1.5 साल से लेटर पार्टी में महाप्रमुख का लेटर मारा हुआ है और हम लोग को बहुत बहुत खुशी हुई कि ये काम हुआ ताकि नमाजी हो या चलने फिरने वाले रस्ते हो, इन लोगों को चलने को बहुत आसानी हुई, रिक्शा चलती बाइक चलती तो सबके कपड़ों पर छूटते उठते, चाहे वो बच्चा स्कूल का क्यों ना हो, चाहे ऑफिस पर जाने का काम क्यों ना हो, सबको बहुत तकलीफ थी। काफ़ी टाइम से यहाँ पे इतना 2-2 इंच के बराबर में पानी ऐसा तैरता था, यहाँ पे लोग गाड़ी धोते थे इतना पानी आता था यहाँ पे। इंशाल्लाह अभी काम होगा। नादिया मोहसिन शेख राष्ट्रपति की तरफ से हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद नादिया मोहसिन शेख को। और सबसे रिक्शा वाले हम लोग यहाँ से जाते हैं तो पब्लिक के ऊपर पानी उड़ता है तो पब्लिक बहुत चिल्लाती है, इसीलिए हम लोग गाड़ी बहुत सीधा लेके जाते हैं। रहता हूँ ये काम चालू किया, बहुत अच्छा लगा।